स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक नया लेक्चर। कक्षा 10 में विज्ञान में हम रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। पिछले लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है और उसको संतुलित कैसे किया जाता है, इतनी सब बातें हम जान गए थे। मैंने आपको ये कहा था कि जब हम रासायनिक समीकरण जो संतुलित करने वाला टॉपिक है वो आप समझिए रसायन विज्ञान में चलता ही रहता है, क्योंकि हम जैसे जैसे रसायन विज्ञान में आगे बढ़ेंगे नए नए तरीके की अभिक्रियाएं हमारे सामने आती रहेंगी और हम उन्हें संतुलित करना सीखते रहेंगे। जैसे आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं और सही मानिए तो ये लेक्चर पिछले लेक्चर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी और आपको रसायन विज्ञान समझाने की दृष्टि से। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया तो जान ही गए हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन वो अलग अलग तरीकों की अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसके कुछ प्रकार इस बार कक्षा 10 के सिलेबस में हमें दिए हुए हैं। कुछ प्रकार हम इससे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे लेकिन जो हमारे सिलेबस में है उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक एक करके अभिक्रियाओं के प्रकार एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप बहुत ध्यान से इन सब अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए इस टॉपिक में पहला प्रकार है योग अभिक्रिया, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। देखिए इस प्रकार के हेडिंग में पता चल रहा है योग या संयोजन माने जोड़ना। जैसे मैथ्स में क्या होता है, जब हम जोड़ रहे होते हैं तो कम से कम दो संख्याएं होती हैं, अधिक कितनी हो, तो जब उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं एक या एक से अधिक संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो कोई हमें एक ही संख्या तो मिलती है और हम कहते हैं कि फिर ये इन संख्याओं का जोड़ है। सेम यहां है, अभिक्रिया का होना होता कैसे है, जब अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं अर्थात दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक पदार्थ जब भाग लेते हैं तो उत्पाद बनते हैं। संयोजन अभिक्रिया के इस प्रकार को आपको उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूं। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैं बहुत छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको आगे आने वाली क्लासों में या आने वाले चैप्टर्स में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए कार्बन का प्रतीक होता है, अभी एक चैप्टर हो रहा है, देखिए आपने कक्षा 9 में ये सब चीजें पढ़ी होती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ठीक से फिर भी नहीं आता है तो एक चैप्टर और आएगा इसमें, जब आवर्त सारणी वाला चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 3 मैं वहां पर आपको बताऊंगा। वरना जो इस चैप्टर में हमारे प्रतीक आ रहे हैं तत्वों के या पदार्थों के यौगिकों के जो सूत्र आ रहे हैं उनको याद रखने की आपने कोशिश करनी है और एक अलग से मैं टेबल ड्रॉ करता चलूंगा तो वो आपको अपनी कॉपी पर ड्रॉ करनी है कि किस तत्व का नाम क्या होता है, किसी पदार्थ या यौगिक का नाम क्या होता है। तो यहीं से स्टार्ट भी हो रहा है। देखिए हम C को क्या बोलते हैं, कार्बन, O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, और CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तीर के बाईं तरफ जो होते हैं वो अभिकारक और तीर के जो दाईं तरफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उत्पाद। मैंने पहले भी आपको कहा ही था पिछले लेक्चर में, इस अभिक्रिया को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एक तत्व ये है, एक तत्व ऑक्सीजन, माने दो तत्व हैं और दोनों तत्व आपस में जो क्रिया कर रहे हैं तो वो कोई एक ही तो पदार्थ बना रहे हैं, एक ही यौगिक तो बना रहे हैं, माने CO2 कोई एक ही यौगिक तो है, एक ही तो पदार्थ है। इसका मतलब ऐसा समझ में आ रहा है ना, दो चीजें जुड़ रही हैं और कोई एक चीज मिल रही है, तो हुई ना ये योग अभिक्रिया। और आपको ये भी पता है कि तत्व क्यों है, क्योंकि कार्बन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग चीज है और इस समय ये क्या कहलाएगा, यौगिक, क्योंकि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलने और कोई पदार्थ बनाएंगे या कोई उत्पाद बनाते हैं तो उस उत्पाद को क्या बोलते हैं, यौगिक, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं उसको, पदार्थ। और वैसे आपने सुना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो इसका मतलब होता है कि ये पदार्थ की भौतिक अवस्था को बता रहे हैं, भौतिक अवस्था माने कि ये किस रूप में मिलता है, तो CO2 किस रूप में होता है, गैस रूप में, इसलिए इसको बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, योग अभिक्रिया मींस वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग कर
कोई एक पदार्थ बनाते हैं, कोई एक यौगिक बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं योग अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आप अपने आप से करा के भी देख सकते हैं व्यवहार में। ये कार्बन माने कोयला है और ऑक्सीजन वायुमंडल में है, तो इनकी क्रिया के बाद ही क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ऐसे समझिए कि आपने शादी बारातों में देखा होगा कि जो तंदूर होता है, जब हम तंदूर की रोटी जहां पर बन रही होती है तो एक भट्टी होती है तंदूर वाली, तो उसमें उन्होंने कोयला डाला होता है और आग जल रही होती है, तो समझ लीजिए जो गैस निकल रही है वहां से, क्योंकि कार्बन कोयला हो गया और ऑक्सीजन वहां है आसपास, क्योंकि और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर जल रही होती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही होती है, तो वो कोयला और ऑक्सीजन की क्रिया के बाद क्या हो रहा होता है, जो गैस बन रही होती है, वो जो गैस निकल रही होती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वही अभिक्रिया। तो फिलहाल हमें तो यहाँ ये समझना है कि दो या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हैं, हम सीधे सीधे कहें, और उत्पाद कोई एक बन रहा है, तो इसे कई प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और कोई एक उत्पाद या पदार्थ या यौगिक बनाते हैं, उन्हें हम योग अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके और एग्जांपल की बात करें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तब बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि भी आपको कैसे पता चल रहा है कि MgO बनेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये सब संयोजकता की बातें होती हैं और ये चौथे चैप्टर में आएंगे ये सब बातें। तो मुख्यतः आप जब ये रसायन विज्ञान पूरा पढ़ लेंगे तो सब चीजें समझ जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि प्रकार जो चल रहे हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको ये कह सकता हूं, देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता होती है दो और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है दो, तो जो दो और दो है तो इसको हम अनुपात में, छोटे अनुपात में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक और एक लिख सकते हैं, तो ऐसे करके क्रॉस एरो लगा देते हैं, माने इसकी संयोजकता तो उसके नीचे, उसकी संयोजकता इसके नीचे, तो Mg के नीचे भी एक, O के नीचे भी एक, तो क्या बन गया MgO, उसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मींस जो धातु का नाम हो और O लगा होता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, ऑक्साइड। तो बहुत बारीकी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, देखिए जैसे यहां पर था कार्बन ऑक्साइड लेकिन दो थे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे संतुलित भी कर लेते हैं, कितने एमजी हैं इधर, एक, उधर कितने एमजी हैं, एक, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो, लेकिन उधर कितने हैं, एक, तो इधर बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, टू। कुछ बच्चे कहते हैं जी नीचे कर देते हैं, टू, भाई नीचे नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो वो परमाणुओं की संख्या को आप, मतलब वो ऑक्सीजन किस रूप में होता है वो रूप बदल जाएगा उसका, तो हम जो संख्या संतुलित करते हैं वो हम इनके सामने लिखते हैं, क्योंकि अगर हमने नीचे संख्या की तो संयोजकता का नियम बदल जाएगा ना, क्योंकि वो संयोजकता के हिसाब से संयोग करके उत्पाद के रूप में बनते हैं। कोई भी जो यौगिक का सूत्र होता है वो संयोजकता के हिसाब से लिखा होता है, तो इसलिए आप संख्या यहाँ लिखेंगे। तो देखिए अब ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, ऑक्सीजन इधर दो है लेकिन इधर मैग्नीशियम कितने हो गए, दो, लेकिन इधर कितना, एक, तो यहाँ कितना लिखेंगे फिर, तो ये समीकरण भी संतुलित हो गए। तो जो मैं आपसे कह रहा था ना पिछले लेक्चर में कि समीकरण संतुलित, मैं आपको बहुत सारे ऐसे करके बताता रहूंगा, तो देखिए ये संतुलित भी कर दिया, तो ये भी एक योग अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्यों है एक योग अभिक्रिया का एग्जाम्पल, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ फिर से दो प्रकार के अभिकारक भाग ले रहे हैं और उत्पाद कोई एक बन रहा है, एक प्रकार का कोई उत्पाद बन रहा है, ये है इसका मतलब। तो इसका नाम है मैग्नीशियम। नाम लिखना इसलिए जरूरी है, जब आप एग्जाम में अभिक्रिया लिखें तो इनके नाम लिखना आवश्यक होता है, तभी आपको पूरा समीकरण ठीक माना जाएगा। और ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसी ही एक और अभिक्रिया की बात करें, H2 प्लस O2 एरो S2O, मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक बाद क्रिया करने के से क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है, H2O जल का फॉर्मूला होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन हुआ और ये ऑक्सीजन हुआ और ये जल हुआ। इस समीकरण को संतुलित भी कर लेते हैं, H2 है इधर भी, इधर O2 है लेकिन उधर एक ही है, तो आप इधर क्या कर लेंगे, संख्या दो, तो O2 हो गए हैं लेकिन H हो गए दो दुनी चार, और यहां पर कितने हो रहे हैं, दो, तो फिर यहां टू करना पड़ेगा।
तो समीकरण संतुलित भी हो, करना सीख रहे हैं हम साथ साथ। तो इस एग्जाम्पल को भी अगर आप देखें तो देखिए दो प्रकार के अभिकारक हैं और उत्पाद कोई एक बन रहा है, तो ये भी योग अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, CaO बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्लस H2O एरो, इसमें बनता है CaOH का होल्ड वाइज, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा चूना भी कहलाता है, बिना बुझा चूना, ये इसका साधारण नाम है, और इसका रासायनिक नाम है मैं वो भी लिख देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड। H2O को क्या बोलते हैं, जल, और ये है आपका बुझा हुआ चूना। ये इसका साधारण नाम है, और वैसे इसको क्या बोलेंगे आप, एक साधारण नाम और है, इसको एक बोलते हैं चूने का पानी। एक इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि विज्ञान में देखिए CA को बोला जाता है कैल्शियम और OH को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। ये सब बातें मैं आपको लिखाने वाला हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए इस अभिक्रिया को, ये फिर से योग अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्यों है पहले देख लीजिए, क्योंकि देखिए एक अभिकारक ये है और एक अभिकारक ये है, इन दोनों ने आपस में संयोग किया तो उत्पाद कोई एक प्रकार का बना है, इसलिए योग अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बाकी आप देखिए इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल एकदम ठीक से समझ में आ रहा हो, क्योंकि CaO क्या बोलते हैं कैल्शियम, और ओ लगा हो साथ में तो क्या हो जाएगा उसका ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम। साधारण नाम तो देखिए भाई याद ही करना होता है, ये बिना बुझा चूना है, ये वही है जब आप घर पर सफेदी माने चूना करने के लिए मार्केट से जो चूना खरीद के लाते हैं ये वो होता है CaO, इसलिए इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। फिर करते क्या हुआ आप, उस बिना बुझे हुए चूने को जल में डाल देते थे, पानी में मिलाते थे, तो जो पानी में मिलाते थे तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद वो पानी दूधिया जैसा सा हो जाता है, दूध के कलर जैसा पानी हो जाता है, मीन्स वो ये बन जाता है CaOH का होल्ड वाइज, इसका नाम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि CA को कैल्शियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम। और साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका, भाई पहले वो बिना बुझा चूना था, जल मिला दिया, तो बिना बुझे चूने को जल में मिला देंगे तो चूना बुझ जाएगा, मींस बुझा हुआ चूना या चूने का पानी। और इसी से आप घर पर दीवारों पर आप चूना करते थे, तो इस ये है वो चूना जिससे हम करते हैं, लाते मार्केट से खरीद के इसको है बिना बुझे चूने को पानी में मिलाते हैं, और फिर वो जो घोल मिलता है उसे चूने का पानी कहते हैं, और उसे दीवारों पर सफेदी करने में प्रयोग में लाया जाता था। अगर उसे पीला कलर का बनाना है, नीला बनाना होता था, हरा बनाना होता था, तो उसमें एक रंग की डिब्बी जैसा कुछ मिला लेते हैं चूने के पानी में और फिर करते हैं, तो कुल मिलाकर कहें चूने के पानी को सफेदी करने में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये योग अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा दो प्रकार के अभिकारक हैं आपस में क्रिया करके एक प्रकार का उत्पाद बना रहे हैं। देखिए जब 10th क्लास के बच्चों से मेरी बात होती है तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें जो है ये अभिक्रिया लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। देखिए अभिक्रिया लिखने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि एक बार जब आप पूरा रसायन विज्ञान पढ़ लेंगे 10th क्लास का, इसमें आवर्त वाला चैप्टर है और रासायनिक आवंधन वाला चैप्टर है, तो आप अभिक्रियाओं को ठीक से लिखना सीख जाएंगे। तो अभी मैं जितना जैसे बता रहा हूँ उसको आप बार बार रिवाइज करिए, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ अभिक्रिया सीखने के लिए आपको एक तो इनके तत्वों और यौगिकों के नाम याद होना जरूरी है, दूसरा आपको ये याद होना जरूरी है कि किस तत्व को की संयोजकता मींस कितनी होती है। तो जो जो पता है आपको वो मैं लिखता जाऊंगा। अब आप एक काम और कर सकते हैं, जब ये वीडियो देखेंगे तो कॉपी पर ये सब चीजें तो नोट करेंगे करेंगे, साथ में एक पेज ऐसा बनाइए जिस पर आप जैसे सी आया तत्व या यौगिक लिख के एक कॉलम और उसका नाम, तो C आया तो आगे कार्बन, O2 आया तो ऑक्सीजन, CO2 आया तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऐसी Mg आया तो मैग्नीशियम कहते हैं, O2 पहले आ चुका ऑक्सीजन हो गया, MgO आया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से उस पेज पर आप तत्व और यौगिकों के सूत्र और उनके नाम लिखें तो रासायनिक अभिक्रिया लिखना बहुत आसान है। और एक महत्वपूर्ण बात यह आई, जैसे Mg के आगे O लिखा है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, C के आगे O लिखा है तो कार्बन का ऑक्साइड है,
वैसे इसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड कहेंगे, लेकिन इसके साधारण नाम जल से ज्यादा जाना जाता है। बाकी मैंने आपको वो एग्जाम्पल भी बताया। यहां से मैं एक जुड़ी हुई बात और बता देता हूँ, देखिए मुझे ध्यान आ रही है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई बात है ये, कि जो ये चूने का पानी होता है, मीन्स जब हम इस चूने के पानी को दीवारों पर सफेदी कर देते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये चूने का पानी जब दीवारों पर चढ़ जाता है तो 2-3 दिन बाद उस दीवार पर चमक आती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप इसको दीवार पर कर देते हैं, CaOH का होल्डर, ये योग अभिक्रिया का एग्जांपल नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ, ये तो मैं इससे एक आगे की बात बता रहा हूँ। क्या? कि इस चूने के पानी को जब आपने दीवार पर रंग दिया, तब दीवार आपकी सफेद जैसी हो रही है, या आपने उसमें कोई रंग मिलाकर भी रंगा है, माने CaOH के होल्डराइज अर्थात चूने के पानी को आपने दीवार पर लेप कर दिया है उसका, तो होगा क्या, ये लेप वायुमंडल में CO2 गैस है, जैसे ऑक्सीजन है ऐसे CO2 गैस भी है, तो ये चूने का पानी उस वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और बना लेता है एक पदार्थ CaCO3 और साथ में H2O, समझ लीजिए। ये CaCO3 का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे याद रखेंगे भाई? CA को तो कैल्शियम बोलते हैं और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। देखिए जो नई नई चीजें आ रही है ना, मैं ये नहीं को कह रहा हूँ कि आपने कॉपी पर नोट करना है, फिर आपके लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जब अगली बार CO3 किसी के साथ लगावाएगा तो बोलेंगे उसका कार्बोनेट। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे चीजें, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो ये क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये संगमरमर का प्रतीक भी होता है, जो आप घरों में पत्थर लगा होता है उसका भी सूत्र यही है। तो होता क्या है कि वो दीवारों पर जो आपने चूने के पानी का लेप कर दिया, वो वायुमंडल के CO2 के साथ क्रिया करके बनाता है CaCO3, और ये बड़ा चमकदार होता है, तो इसलिए आपके दीवार पर जो है वो चमक आने लगती है। लेकिन ये क्रिया हाथों हाथ नहीं हो जाती है, 2-3 दिन इसको लगते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो आपको दोनों के नाम पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो जल है। देखिए, आप जब अभिक्रिया लिखें तो बार बार इनके नाम लिखें, चाहे कोई पहले आ भी गया है तो भी नाम लिखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अभिक्रिया लिखने के बाद उनके नाम लिखेंगे, आपको अभिक्रिया करना उतना ही आसान होने वाला है। देखिए, ये एग्जांपल योग अभिक्रिया का नहीं है, ये मैंने केवल इसलिए बताया है कि जो ये चूने का पानी है, जिसे आप दीवारों पर सफेदी करने में प्रयोग में लाते हैं, तो जब आप इसे दीवारों पर सफेदी कर देते हैं, तो वो सफेदी वायुमंडल की CO2 से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। यही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपके दीवार में जो है चमक आने लगती है, वो दीवार जो है चमकने लगती है। ये और ये यही सूत्र, मजेदार बात यह है कि यही सूत्र जो संगमरमर होता है, जो जिसे आप संगमरमर पत्थर कहते हैं, उसका भी सूत्र यही होता है। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आपको योग अभिक्रिया उदाहरण सहित समझ में आ ही गया होगा ये प्रकार। यहाँ एक दो छोटी बातें और मुझे बतानी है। जैसे नोट आपने ऐसे करना, भाई CaCO3 आया तो इसके आगे लिख दें इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 आया तो आप लिख दें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O आया तो लिख दें जल, इस टाइप से। साथ में आप देखेंगे तो ये बनाए, बाकी मैं आपको देखिए चौथे चैप्टर में बताता रहूंगा, जैसे CO3 होता है तो इसको कार्बोनेट बोलते हैं, OH होता है इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए ये CA के साथ था तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर यहाँ Mg होता तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर यहाँ Na2CO3 होता तो सोडियम कार्बोनेट। अब जैसे Na के नीचे दो कहां से आ गया, तो ये सब संयोजकता की बातें हैं, ये सब आगे आती रहेंगी। अब जैसे मान लीजिए NaOH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि Na को सोडियम, OH को हाइड्रोक्साइड, अगर इसके साथ K लिख दें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से ये सब बातें हालांकि कक्षा 9 की हैं, लेकिन चलिए अगर आपको लग रहा है कि हमें अभी नहीं आता है ऐसे समझ में, तो मैं ये सब बातें आपको बताने का प्रयास करता रहूंगा। ये सब इनके नाम होते हैं। देखिए, मैं कई बार बच्चों को ये बोलता हूं कि जैसे आप लोगों के नाम होते हैं ना, और उन नाम रखने के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, फिर भी आपको अपने दोस्तों के जो क्लासमेट होते हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, उनके नाम याद हो जाते हैं, लेकिन इनके तो नाम के पीछे लॉजिक है, लेकिन आपने वो लॉजिक जानना है ना, तभी तो आपको नाम याद होंगे। तो इसलिए मेरा बार बार कहना है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, जब तक ये चैप्टर में पूरा कराऊंगा आप देखेंगे आपको अभिक्रियाएं लिखना भी आ जाएंगी, अभिक्रियाओं के इनके इनमें जो अभिकारक और उत्पाद उनके नाम भी याद हो जाएंगे,
लेकिन जैसा कहते जा रहा हूँ आप वैसा करते जाइए। इन उदाहरण की सहायता से और हमने जो इतना लंबा डिस्कस किया है उसके आधार पर योग अभिग्रह की ये परिभाषा आप देख रहे हैं, वे अभिग्रह हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक तत्व भी भाग ले सकते हैं यौगिक आपस में संयोग कर किसी एक यौगिक यौगिक माने पदार्थ का निर्माण करते हैं योग अभिक्रिया कहलाते हैं। तो आप ये परिभाषा भी साथ में नोट कर लेना, एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिए। तो इस प्रकार से हमारा अभिक्रियाओं के प्रकार का पहला प्रकार योग अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है। अभिक्रियाओं के प्रकार में एक और दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार वियोजन अभिक्रिया अवघटन अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ये योग अभिक्रिया का उल्टा है, वहां दो भाग ले रहे थे दो या दो से ज्यादा और बन रहा था कोई एक। वियोजन या अवघटन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई एक होगा अभिकारक और उत्पाद बनेंगे दो या दो से ज्यादा, मींस तभी तो हम कहेंगे कि टूट रहा है। देखो वियोजन माने होता है अवघटन माने होता है टूटना, तो कोई जब चीज टूटती है तुम तभी तो कहेंगे जब उसके कम से कम दो हिस्से हों, ज्यादा कितने हो जाए। तो देखिए आप इसके एग्जाम्पल मैं पहले बता देता हूँ फिर उसके आधार पर हम बात करते हैं। कोई अभिक्रिया मैंने लिखी CaCO3 CaO+CO2, जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूं आपको कि जो अभिक्रिया है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये पहले आया था इसका नाम, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। और ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड है। आपने नाम जरूर लिखने हैं, देखिए मैं अब इसको बार बार नहीं लिख रहा हूं, आपने जरूर लिखने हैं जब कॉपी पर आप नोट कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। फिर से एक बार बता देता हूं, CA कैल्शियम है, CO3 को क्या बताया था मैंने, कार्बोनेट, CA है कैल्शियम, O अगर साथ में लगा तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्साइड। तो ऐसे करके आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो क्या है, इस बार अभिकारक एक है लेकिन उत्पाद एक से ज्यादा बने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना है कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो ऐसा लग रहा है ना ये इन दो चीजों में टूट गया है, इसलिए कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, अवघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसी के साथ और टूटा कैसे है, यहाँ पर आपने क्या लिया होगा, ताप, जिसे हम ऊष्मा भी कह सकते हैं क्योंकि ताप देंगे माने इसको ऊष्मा मिली थी। अगर हम बात करें एक ऐसी दूसरी अभिक्रिया की, AgCl, Ag में और ये क्लोरीन में टूटता है क्योंकि Cl Cl2 के रूप में निकलेगा, संतुलित करें, देखिए वो तो संतुलित ही थी ऊपर वाली, इसको संतुलित करें तो Ag एक है Cl एक है लेकिन उधर दो है, तो इसलिए आप यहाँ दो करेंगे तो ये Ag भी यहाँ पर दो करेंगे। इसके लिए होता है सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश, एरो पर हम लिख रहे हैं माने सूर्य के प्रकाश में अगर AgCl खुले तो वो Ag और Cl में टूट जाता है। इसका नाम क्या है, Ag को बोलते हैं सिल्वर और Cl जब साथ में लगा हो तो इसको बोलते हैं क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ये देखिए Ag अलग लिखा है तो इसका नाम सिल्वर में आपको कह रहा हूं और जब Cl अलग लिखा होता है तो उसको बोलते हैं क्लोरीन। तो ये बिल्कुल ऐसा है, अगर O2 लिखा है तो ऑक्सीजन और O किसी के साथ लिखा है तो उसका ऑक्साइड, बड़ा इजी बात। इसी के जैसी एक अभिक्रिया और लिख लूं मैं, अगर 2AgBr, फिर से वही सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश में अगर ये होगी तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, मीन्स 2Ag+Br2, इसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड क्योंकि Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, ऐसे ये सिल्वर है और Br को जब अलग लिखा है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमीन, द्रव अधातु है। चलिए वो बात की बात है, बताऊंगा मैं आपको तीसरे चैप्टर में बताऊंगा इसके बारे में बातें। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है, तो ये है सिल्वर और ब्रोमीन, मींस Br जब मिलाकर लिखा है किसी के साथ तो उसको ब्रोमाइड बोलेंगे और जब अलग लिखा होगा Br2 के रूप में तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमीन बोलेंगे, बाकी Ag को सिल्वर कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें अभिकारक कोई एक है, उत्पाद एक से ज्यादा बन रहा है, अभिकारक कोई एक है उत्पाद एक से ज्यादा बन रहा है, मींस ये ऐसा लग रहा है दिखने में ये चीजें टूट के दो हिस्सों में बट रही है, टूट के दो हिस्से, टूट के दो हिस्से, तो टूटने वाली अभिक्रिया है, मींस वियोजन अभिक्रिया इनको कहते हैं। और भी ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए ये है जल ले लें हम 2S2, तब आप एरो पर लिखेंगे वैद्युत अपघटन, माने करना आपने ये है कि जल लिया किसी पात्र में और उसमें धातु की दो छड़े लेनी है और उनकी सहायता से कर देनी है विद्युत धारा का प्रवाह,
तो क्या होगा, उन छड़ों की सहायता से जब विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे तो जल टूटने लगेगा, पानी टूटेगा। किन में टूटेगा? जिनसे बना था। किन से बनता है? जिसमें कौन कौन है? H2 है और O2 है, मींस हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये जल है। तो इसको अगर संतुलित करें तो H4 हो गए, वहां दो हो रहे हैं तो ये टू हो गए, बाकी O2 है तो वहां दो। तो ये अभी के अभी देखिए इस बात का एग्जाम्पल है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा है, लेकिन विद्युत धारा के प्रभाव से इसलिए वैद्युत विघटन लिखा है। तो ओवरऑल मैं कहूं आपसे, तो इन एग्जाम्पल से हमें ये समझ आ रहा है, या तो आप किसी अभिकारक का ताप बढ़ा दें, ताप दे रहे हैं उसको, तब वो टूट जा रहा है, या सूर्य के प्रकाश में टूट जा रहा है, या वैद्युत धारा प्रवाह कर दे माने वैद्युत अपघटन हो जा रहा है उसका। तो तीन प्रकार से ये अपघटन होता है, इसलिए हम इसके प्रकारों को भी कह दें। तो इस वाले को हम तापीय अपघटन कहते हैं, इसको हम प्रकाश के द्वारा अपघटन कहते हैं, और इसको हम विद्युत अपघटन बोलते हैं। और कुल मिलाकर ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? वियोजन अभिक्रिया मींस अपघटन अभिक्रिया के ये उदाहरण। इस प्रकार से हम अपघटन तीन प्रकार से करा सकते हैं, ताप देकर, प्रकाश की उपस्थिति में, या विद्युत के द्वारा। तो इनके नाम भी हैं, ताप से कराएंगे तो उसे तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिकारक टूट रहा है तो उसको प्रकाशीय अपघटन बोलेंगे, और यदि कोई विद्युत धारा प्रवाह करने के कारण टूट रहा है तो उसको हम वैद्युत अपघटन बोलेंगे। तो देखिए उदाहरण समझने के बाद परिभाषा एक बार देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया की, वे अभिक्रिया है जिनमें कोई एक पदार्थ अर्थात अभिकारक ताप, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से, माने आपने ताप बढ़ा दिया या प्रकाश की उपस्थिति हो गई या विद्युत धारा का प्रवाह करा दिया, तो इन तीन में से किसी भी कारक की वजह से अगर वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए अर्थात दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाए, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मैं बहुत डीपली और डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे लेक्चर थोड़े ज़्यादा हो जाएं इस चैप्टर के, लेकिन मैं सारे टॉपिकों को कवर करूँगा और आपको परिभाषा भी देखिए लिखा रहा हूँ, तो आप ये कॉपी पर नोट करते रहें, एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ तो एग्जाम्पल के साथ आप मतलब ये नोट्स बिल्कुल साथ में बनाते रहें और बार बार रिवाइज करके इन वीडियो को देखते रहें। मैंने जो जो आपसे कहा है कि आपने तत्वों के सूत्र, यौगिकों के सूत्र और नाम नोट करने हैं, क्योंकि आप अभिक्रिया लिखना तभी सीखेंगे जब आपको इनके नाम याद होंगे। आज के लेक्चर में केवल मैंने दो ही प्रकार बताए हैं, जब हमारा इसका रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें जो और प्रकार है उनको कवर करेंगे। और आप देखिए कि 5-6 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक्साइज और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम करेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा कम कम टॉपिकों को लेकर चलते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करते रहिए और पूरा प्रयास कीजिए कि कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा।